जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने शोपियां से 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को अगवा करने के बाद मौत की घाट उतारा। यूपी के बहराइच में मासूमों की मौत का सिलसिला जारी, पिछले 45 दिन में 71 बच्चों की मौत। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल में 10 पैसे और मुंबई में 9 पैसे की बढ़ोतरी। लगातार तीसरे दिन डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा SC ST एक्ट का राज्य में दुरुपयोग नहीं होगा, कहा यहां जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में CBI ने एक असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 4 को हिरासत में लिया, आरोपी ब्रजेश ठाकुर के 20 अकाउंट सीज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की चिट्ठी के बाद भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात का रास्ता साफ, न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका, मायावती ने अजीत जोगी की पार्टी के साथ गठबंधन किया। 35 पर BSP और 55 सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस बोली अकेले लड़कर सरकार बनाएंगे। ओडिशा पहुंचा चक्रवाती तूफान, राज्य के कई हिस्सों में बारिश। और एशिया कप के 6 मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन से हराया। सुपर 4 में आज भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने।